अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने मेरे दिल को वाकई बहुत मुतासर किया और मेरी आंखें भी जो है वो आंसुओं से लबालब भर गई। मेरे ड्राइवर का नाम है अल्लाह दर और मेरी चूँकि ए टाइप पर्सनैलिटी है और जो ए टाइप पर्सनैलिटी होती है वो बहुत जो है वो इम्पल्सिव होते हैं। वो कहते हैं बस काम जो है वो जैसे मुँह से अल्फाज अदा और वैसे काम हो जाए। मेरी भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, मैं काम बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ और टाइम के मामले में बहुत ज़्यादा कि मुझे लगता है कि एक मिनट भी ज़िंदगी है जो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। तो मैंने तैयार होने के बाद जैसे ही कमरे में उसको आवाज़ दी, अल्लाह दाद, तो आप यकीन मानिए उसी लम्हे उसका जवाब जो आया, जी आया। और जैसे ही उसने कहा जी आया तो मेरे दिल को इस कदर धचका लगा और मेरे दिमाग में इतने सवालों के भंवर उठे कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसे चंद हज़ार तनख्वाह देती हूँ, ना मैं इसकी ज़िंदगी की मालिक हूँ, ना इसकी मौत की मालिक हूँ, ना इसके रिस्क की मालिक हूँ, ना इसकी इज्जत और ज़िल्लत की मालिक हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं इसे नौकरी से निकाल दूँगी तो इसे कोई और ठिकाना नहीं मिलेगा, लेकिन वो मेरा और आपका मालिक, वो खालिक जो इज्जत का भी मालिक है, ज़िल्लत का भी मालिक है। और अगर हमें वो अपनी दुनिया से, अपनी कायनात के किनारों से निकल जाने का हुक्म दे तो उसने सूरह रहमान में खुद फरमाया कि ए जिन्नो बशर के ग्रोह, अगर तुम मेरे किनारों, ज़मीन और आसमान के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ। और साथ ही फरमाया लेकिन तुम निकल नहीं सकोगे क्योंकि हर जगह बादशाही तो मेरी है। क्या हमने कभी उसकी पुकार पर कान भी धरा है या कभी हमने भी उसकी अल्लाह अकबर की आवाज़ सुन के कभी कहा है लब्बैका अभी आया कभी दौड़ लगाई है? हम तो हर चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, अभी नमाज़ पढ़ते हैं, अभी ये काम करते हैं, इवन के बहुत से मामलात में जहाँ हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो हमने कभी उसके अहकामात को अपने सामने नहीं रखा कि हमें ये खौफ हो कि वो हमारी ज़िंदगी मौत का मालिक है, वो हमारी इज्जत और ज़िल्लत का मालिक है, वो हमारे रिस्क का मालिक है, वो हमारी सांस के अंदर और बाहर आने जाने का मालिक है, वो जो इतना ज़बरदस्त है, जो हमारी हर चीज़ पर अख्तियार रखता है, उसकी तरफ हमारा रवैया कैसा है। और हमारे मुलाज़िम जिनको हम चंद हज़ार तनख्वाह देते हैं या खाने पीने को देते हैं, वो उनसे हम क्या तवक्कु करते हैं कि हम उन्हें आवाज़ दें और अगले लम्हे वो हमारी खिदमत में हाज़िर हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर इस पर सोचेंगे तो सोच के बहुत से दरीचे आपके जहनों में भी खुलेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपके जहन में भी सोच के दरीचे खोले तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो आज इस बात ने इंतहाई मुतासर किया था और मैं सुबह से अपने कैमरामैन को कह रही थी कि आज इस पर वीडियो लाजमी मुझे डालनी है, वरना वक्त के साथ साथ मुझे बातें भूल जाती हैं, मेरे जहन से निकल जाती हैं ज़िंदगी की मसरूफियात में से। और मैं नहीं चाहती थी कि ये वाली बात जो है वो मेरे जहन से निकल जाए और मैं आप लोगों को इससे इसके साथ इसको जो है वो आप लोगों के साथ शेयर ना कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।